ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं. हम देख रहे हैं दैट इज़ दी एमसीक्यू फॉर द चैप्टर ऑसिलेशन. ऑसिलेशन जो चैप्टर है हमारा, उसके हम एमसीक्यू देख रहे हैं. और मोस्टली जो इसमें एमसीक्यू है, दैट इज़ दी लेवल वन एमसीक्यू है. ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने 27, 28 कुछ तो एमसीक्यू देखे थे और यहाँ पे आके हम रुके थे. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन, दिस नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, सो स्टार्ट करते चलो. देखो क्वेश्चन क्या है. पार्टिकल एग्जीक्यूट्स, देखो पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर SHM हैज वेलोसिटी v1 एंड v2 एट डिस्टेंसेस x1 एंड x2 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द मीन पोजीशन. द एंगुलर वेलोसिटी पूछिए. ओके ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि एक पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, दैट पार्टिकल. ओके लेट मी चेंज द कलर. ठीक है, एक पार्टिकल है, इसकी मीन पोजीशन है और अबाउट मीन पोजीशन या ऐसा इसके ऊपर ये ऐसा SHM कर रहा है. राइट, सो दिस इज परफॉर्मिंग द SHM अबाउट दिस मीन पोजीशन. तो बोल रहा है कि एक उसकी पोजीशन है, लेट से ये वन पोजीशन है, लेट से ये टू पोजीशन है. तो एट डिफरेंट पोजीशन उसके क्या दिए है, डिफरेंट वेलोसिटीज दिए. राइट, तो लेट से हम इक्वेशन लिखते हैं वेलोसिटी का. राइट, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी, मैं लिखता हूँ दैट इज v1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस x1 स्क्वेयर. और दूसरे वेलोसिटी का इक्वेशन क्या बनेगा, दैट इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस x2 स्क्वेयर. राइट, अभी ए दोनों ओमेगा ओमेगा सेम क्यों लिए मैंने, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट दी सिंग वन SHM, मतलब दो SHM नहीं है, दो डिफरेंट SHM नहीं है, एक ही SHM है बट जस्ट पोजिशन डिफरेंट है. तो ऑब्वियसली उसकी ओमेगा और ए सेम ही रहेंगे. राइट, सो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, v1 का स्क्वेयर लेता हूँ. देखो अगर मैंने v1 का स्क्वेयर लिया, देखो v1 स्क्वेयर अगर मैंने किया, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा मेरा, ओमेगा स्क्वेयर इन ब्रैकेट यहाँ पे क्या रहेगा, ये ए स्क्वेयर माइनस x1 स्क्वेयर. राइट, यहाँ पे v2 स्क्वेयर मतलब क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वेयर इन ब्रैकेट ए स्क्वेयर माइनस x2 स्क्वेयर. राइट, सो अगर मैं करूँगा v1 स्क्वेयर माइनस v2 स्क्वेयर, देन आई विल गेट, देखो यहाँ पे मुझे दोनों से मैं ओमेगा स्क्वेयर कॉमन निकाल सकता हूँ. देखो और ब्रैकेट में मुझे क्या मिलेगा, दैट इज ए स्क्वेयर माइनस x1 स्क्वेयर माइनस, फिर माइनस यहाँ पे ए स्क्वेयर हो जाएगा और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ये x2 स्क्वेयर. राइट, सो ये प्लस ए स्क्वेयर और ये माइनस ए स्क्वेयर, ये कैंसिल हो जाएगा. राइट, सो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, देखो देयर फोर v1 स्क्वेयर माइनस v2 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेयर इन ब्रैकेट x2 स्क्वेयर माइनस x1 स्क्वेयर, बिकॉज x2 को प्लस साइन है और x1 को निगेटिव साइन है, तो मैंने x2 स्क्वेयर माइनस x1 स्क्वेयर इस तरीके से लिखा. सो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ ओमेगा RHS को रखता हूँ, आई विल कीप दिस ओमेगा टू द RHS साइड एंड बाकी सभी को इधर लेके जाता हूँ. सो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर v1 स्क्वेयर माइनस v2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय x2 स्क्वेयर माइनस x1 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेयर. और अगर मैं दोनों साइड स्क्वेयर रूट ले लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, इस साइड ओमेगा मिलेगा और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ये स्क्वेयर रूट का साइन डालना पड़ेगा. राइट, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. क्या हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे, देखिए दिस इज द आंसर, दैट इज v1 स्क्वेयर अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वेयर माइनस v2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय x2 स्क्वेयर माइनस x1 स्क्वेयर. ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, यहाँ पे. ठीक है, सो ये ऑप्शन है, दैट इज x ऊपर आएगा v1 स्क्वेयर माइनस v2 स्क्वेयर. ऊपर v1, अच्छा ठीक है, उन्होंने v2 माइनस v1 किया है क्या. ठीक है, अगर v2 माइनस v1 भी अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा. ठीक है, v2 माइनस v1 भी अगर हम करेंगे, ठीक है v2 माइनस v1 करके देखते हैं, कुछ नहीं थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं. अगर मैंने v2 स्क्वेयर माइनस v1 स्क्वेयर कर दिया, v2 स्क्वेयर माइनस v1 स्क्वेयर कर दिया, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट इज ओमेगा स्क्वेयर और इन ब्रैकेट मुझे मिलेगा यहाँ पे ए स्क्वेयर माइनस x2 स्क्वेयर और यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस ए स्क्वेयर प्लस x1 स्क्वेयर. तो देखो यहाँ पे अभी x1 प्लस आ गया और x2 माइनस आ गया, मतलब इक्वेशन क्या होने वाला है, सिर्फ देखो इक्वेशन यहाँ पे, मतलब फाइनल इक्वेशन क्या मिलने वाला है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ये जो v1 स्क्वेयर माइनस, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सॉरी v2 स्क्वेयर माइनस v1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा अभी x1 स्क्वेयर माइनस x2 स्क्वेयर. देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, v2 माइनस v1, देखो ये ऑप्शन है
दैट इज ऑप्शन बी, दिस इज ऑप्शन बी, देखो सेम ऑप्शन बी इस तरीके से, राइट right? दोनों भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, बट जिस इसमें क्या है, v1² - v2², इसमें v2² - 1, और अकॉर्डिंगली हमारा डिनोमिनेटर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द डायमीटर ऑफ द रेफरेंस सर्कल इन SHM इज 12 सेंटीमीटर, देन एम्पलीट्यूड ऑफ द लीनियर SHM विल बी। देखो ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द कंसेप्ट दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन ऑन द डायमीटर इज व्हाट, इट इज द लीनियर SHM, ये हमने थ्योरी पढ़ते समय देखा है, राइट। तो लेट से फॉर एग्जाम्पल ये है मेरे डायमीटर है इस सर्कल की, तो प्रोजेक्शन मतलब क्या, लेट से यहाँ पे अभी पार्टिकल है वो यहाँ पे, उसका ये प्रोजेक्शन हो गया एट पॉइंट ए, राइट। यहाँ पे है लेट से, तो ये उसका प्रोजेक्शन हो गया लेट से ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, राइट। और यहाँ पे है लेट से पोजीशन, ये होगा उसका प्रोजेक्शन लेट से सी, लेट से यहाँ पे है ये प्रोजेक्शन पार्टिकल, सो ये उसका पोजीशन हो गया डी हो गया, राइट। सिमिलरली अगर ये अभी वो पार्टिकल यहाँ से उसने स्टार्ट किया, लेट से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन ऐसी है एंटी क्लॉकवाइज, राइट। सो यहाँ पे उसने ऐसा मोशन स्टार्ट किया, वो यहाँ से उसका प्रोजेक्शन ऐसा जा रहा है, फिर अभी ये यहाँ पे आ गया, तो ये उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आ गया, मतलब क्या हो रहा है, इस सेंटर क्या रहा हूँ, मतलब ये जो सेंटर बन रहा है अबाउट दिस सेंटर, इसका प्रोजेक्शन क्या कर रहा है, दैट इज SHM टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, राइट। टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है मतलब क्या, वहां पे ये क्या कर रहा है, SHM कर रहा है, राइट। तो मतलब ये सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर विल बी द, ये जो हमारा सेंटर है, सेंटर जो है वो क्या बन जाएगा, मीन पोजिशन बन जाएगा, राइट, मीन पोजिशन बन जाएगा। और जो पार्टिकल की पोजिशन है लेट से दिस इज द, मतलब कि जो उसकी एंड पोजिशन है लेट से यहाँ से यहाँ पे उसका, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली ये हाफ डिस्टेंस हो गया फ्रॉम द मीन पोजिशन, मतलब टोटल पाथ का, राइट right? तो ये ऑब्वियसली जो रेडियस है उसकी, तो रेडियस क्या हो जाएगी, उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड, राइट। सो ऑब्वियसली उन्होंने क्या बोला है कि अगर इफ द रेफरेंस इज 12 डायमीटर अगर उसकी 12 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली देन एम्पलीट्यूड ऑफ द लीनियर SHM क्या होगा, ऑब्वियसली इसके हाफ, तो क्या होगा, दैट इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM विद एम्पलीट्यूड A and has maximum velocity V, okay, amplitude A है, maximum velocity V है, its speed at displacement A by 2, okay, its speed at displacement A by 2, अच्छा, ठीक है, let's say हम क्या करते हैं, उसकी ये small जो, ये जो V है, उसकी maximum velocity, let's say हम क्या करते हैं, V dash, ये उसकी velocity है at displacement, given displacement, तो हमारा normal formula क्या होता है, V is equals to omega and A square minus x स्क्वायर, राइट। तो उसकी v डैश पहले निकालते, v डैश को जस्ट इन्होंने यहाँ पे v को मैक्सिमम वेलोसिटी लिया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको v डैश नेमिंग किया है, राइट, ठीक है। सो हमें जो वेलोसिटी निकालनी है, कौन से डिस्प्लेसमेंट पे निकालनी है, एट डिस्प्लेसमेंट वो x इज इक्वल टू क्या होगा, a बाय 2, सो ऑब्वियसली मुझे x का स्क्वायर मतलब क्या होगा यहाँ पे, दैट इज a स्क्वायर बाय 4, राइट, बिकॉज a का स्क्वायर a, 2 का स्क्वायर 4, सो ऑब्वियसली v डैश मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा अंडर रूट ऑफ 4a² - 1, मतलब 4a² - a² तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3a² / 4, राइट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनली वी डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ओमेगा, अगर मैं स्क्वेयर रूट, ये स्क्वेयर टर्म्स को बाहर निकालूँ, तो ए स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट आता है a, 4 का स्क्वेयर रूट होता है 2, और यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ रहेगा √3/2। अभी हमें पता है उन्होंने ये जो v दिया है, दिस v इज व्हाट, वीज मैक्सिमम वेलोसिटी, ये यहाँ पे दिया है, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज वी इज इक्वल टू क्या होगा, ए ओमेगा, तो इस ये जो ए ओमेगा है यहाँ पे, इसकी जगह मैं वी लिख सकता हूँ, सो वी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, इसकी जगह वी लिखता हूँ, और क्या आएगा, √3/2। अगर आप √3/2 की वैल्यू अगर लॉग टेबल में देखोगे, तो उसकी वैल्यू होती है 0.8660, ये उसकी वैल्यू होती है, राइट। तो हमारा जो वी डैश है वो क्या आएगा, 0.8660 इंटू वी, दिस विल बी दी आंसर, ठीक है, मतलब क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज वी मैक्स इज इक्वल्स टू दिया है अल्फा
एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन दैट इज ए मैक्स इज इक्वल्स टू दिया है बीटा. ठीक है, व्हाट इज द पीरियोडिक टाइम ऑफ ऑसिलेटर, व्हाट इज द पीरियोडिक टाइम ऑफ द ऑसिलेटर पूछा है. ठीक है, सो देखिए पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल्स टू क्या होता है, टू पाई बाय ओमेगा. ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे वी मैक्स मतलब हमें पता है अल्फा इज इक्वल टू वी मैक्स मतलब क्या होता है, दैट इज ए ओमेगा होता है, राइट. और बीटा मतलब यहाँ पे ये क्या होता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर ए, राइट. तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू ए ओमेगा एंड बीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, तो यहाँ पे बीटा को देखो मैं कैसे लिखता हूँ, ओमेगा ए इंटू ओमेगा. सो ऑब्वियसली मैं इसको बीटा को इस तरीके से लिख सकता हूँ, देयर फॉर बीटा इज इक्वल्स टू ए ओमेगा जगह मैं अल्फा लिखता हूँ, अल्फा इंटू ओमेगा, राइट. तो यहाँ से मुझे ओमेगा की वैल्यू मिलेगी, राइट. ओमेगा की वैल्यू क्या मिलेगी, ओमेगा इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा, ओमेगा इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा. तो ये ओमेगा की वैल्यू मैं लेके जाता हूँ इस इक्वेशन में, राइट. सो यहाँ पे मुझे टाइम पीरियड क्या मिलेगा, देयर फॉर टी इज इक्वल्स टू टू पाई बाय ओमेगा. ओमेगा की जगह मैं क्या लिखूंगा, दैट इज बीटा अपॉन अल्फा. सो ऑब्वियसली टाइम पीरियड क्या बनेगा, टू पाई अल्फा अपॉन बीटा. देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे ये ऑप्शन मिल रहा है, दैट इज टू पाई इंटू अल्फा बाय बीटा, दैट इज ऑप्शन ए. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं, लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एस एच एम इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू 10 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा. एक मिनट, ओके. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एस एच एम इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू 10 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा मीटर. इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 5 मीटर देन द फेज ऑफ एस एच एम. ओके, फेज ऑफ एस एच एम पूछा है. ठीक है, सो पहले इक्वेशन लिखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट का. x इज इक्वल्स टू 10 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा. ठीक है, एक मिनट, हाँ, ओके. सो x दिया है हमें 5, तो यहाँ पे 5 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 10 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, राइट. सो यहाँ पे क्या आएगा, 5 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा. 5 बाय 10 मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा. सो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे क्या करना है, 1/2 का इनवर्स लेना पड़ेगा. तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो ओमेगा टी प्लस अल्फा है दैट इज द फेज इज इक्वल्स टू क्या आएगा, दैट इज 1/2. साइन इनवर्स ऑफ 1/2 मतलब क्या होता है, 30 डिग्री. 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, दैट इज पाई बाय 6 रेडियन. बराबर, पाई बाय 6 रेडियन. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बिकॉज ये जो टर्म होती है दिस इज कॉल्ड एज द फेज, राइट. सो हमें फेज कितना आया हमारा, पाई बाय 6 रेडियन. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, द ओके डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एस एच एम कितना होता है, ईजी होता है, ईजी है, ये थेरोटिकल क्वेश्चन है. दैट इज ये होता है पाई रेडियन, बिकॉज हमें ये ग्राफ पता होने चाहिए. दैट इज अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, राइट, ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ. डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसे होता है, दैट इज साइनोसाइडल ग्राफ होता है प्योरली, राइट. दिस इज द ग्राफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, राइट. देन वेलोसिटी का ग्राफ कैसे होता है, वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होता है, दैट इज कोसाइन फंक्शन जैसा ग्राफ होता है. दैट इज यहाँ से ये स्टार्ट होता है ऐसे, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से होता है. देन एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, एक्सेलरेशन का ग्राफ आता है दैट इज एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, मतलब ये नीचे से स्टार्ट होता है ऐसा. तो हमेशा याद रखिए, सॉरी, देखो, ओके, सो देखो हमेशा याद रखिए, ये जो होता है x एंड v में जो फेज डिफरेंस होता है, द फेज डिफरेंस बिटवीन x एंड v, ये कितना होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में फेज डिफरेंस होता है पाई बाय 2, ये दोनों में फेज डिफरेंस होता है पाई बाय 2,
और ये दोनों में फेज डिफरेंस होता है, दैट इज ये होता है पाई का, राइट ठीक है। सो याद रखिए दिस पॉइंट्स। सो आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी पाई रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू पार्टिकल्स परफॉर्म लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द सेम पाथ ऑफ लेंथ 2a एंड पीरियड कैपिटल टी एज शोन इन द फिगर। द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज, द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज, ठीक है फेज डिफरेंस निकालना है हमें। ठीक देखो फेज डिफरेंस क्या होगा, देखो अगर हम दोनों ये एक एस एच एम है हमारे पास, दिस इज वन ऑफ द एस एच एम और ये एक दूसरा एस एच एम है, राइट ठीक है। सो अगर हम दूसरे एस एच एम का अगर हम ग्राफ लिखेंगे तो लेट से पहले क्या लिखते हैं, दैट इज एक्स टू इज इक्वल टू हमारा नॉर्मल इक्वेशन ए साइन ऑफ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ फेज को मैं क्या करता हूँ ठीक है ओमेगा टी प्लस फाइ ऐसे ही लिखता हूँ ठीक है। सो एक्स टू कितना यहाँ पे ए दिया है डायरेक्टली उन्होंने, यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से अगर लिखेंगे तो राइट, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइ राइट। सो उसका स्टार्टिंग में मतलब हमने एट स्टार्ट पोजिशन से एट टी इज इक्वल टू जीरो कर दिया हमने राइट, तो यहाँ पे ए ए कैंसिल हो जाएगा। सो ऑब्वियसली जो फेज है हमारा लेट से मैं इसको फेज को क्या करता हूँ सिंपल में साइन ऑफ यहाँ पे जस्ट इसको अल्फा लिखता हूँ, ये हमारा अल्फा। सो ऑब्वियसली यहाँ पे ए ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा सिर्फ वन और वन साइन इनवर्स ऑफ वन मतलब क्या होता है पाई बाई टू राइट। तो इसका फेज क्या आ गया, दैट इज सेकंड वाले का फेज कितना आ गया, उसका फेज आ गया पाई बाई टू राइट। नाउ फर्स्ट वाले में देखो, अभी फर्स्ट वाले का सेम इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ, अभी इसका जो फेज है इसको मैं बीटा लिखता हूँ लेट से फॉर एग्जाम्पल, अभी एक्स वन इज इक्वल टू कितना है ए बाय रूट टू दिया है इज इक्वल टू ए और यहाँ पे आएगा साइन ऑफ बीटा राइट। सो यहाँ पे ए ए कैंसल ना, साइन यहाँ पे सिर्फ रहेगा वन बाय रूट टू और ये साइन ऑफ बीटा। सो साइन इनवर्स ऑफ यहाँ पे वन बाय रूट टू लेना पड़ेगा, साइन 45 की वैल्यू होती है वन बाय रूट टू राइट। सो यहाँ पे इसका मतलब 45 डिग्री मतलब ये कितना हो गया, दैट इज ए पाई बाय फोर राइट। तो इज इक्वल टू ये हो गया बीटा, मतलब ये है 90 डिग्री ये है 45 डिग्री, दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब क्या होगा अल्फा माइनस बीटा, दिस इज द फेज डिफरेंस राइट। दोनों फेज का डिफरेंस, फेज डिफरेंस पूछा है तो फेज में डिफरेंस निकालो। सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर, ये आएगा ऑब्वियसली 90 माइनस 45 45 आएगा, 45 मतलब कितना दैट इज पाई बाय फोर। सो आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, When the particle in a linear SHM completes two oscillation, its phase increases by how much radian? Okay, तो देखो 2π radian, 3π radian, 4π, देखो जब ये एक oscillation करता है, देखो हमारे पास लेट से this is the path of the linear SHM, right? ये एक extreme position है, this is another extreme position, और ये हमारी mean position है, right? So obviously यहाँ पे ये क्या होगा, जब ये यहाँ से x यहाँ पे जाता है तो ये पाए हो जाता है, सॉरी ये पाए बाई टू हो जाता है राइट, ये पाए बाई टू करता है, फिर ये यहाँ से यहाँ पे फिर से आता है तो ये पाए कर देता है, फिर यहाँ से यहाँ पे जाता है फिर ये क्या करता है 3π/2 कर देता है, फिर वो फिर से यहाँ पे जाता है तो वो 2π कर देता है, मतलब वन ऑसोलेशन मतलब कितना हो गया, वन ऑसोलेशन मतलब कितना हो गया, दैट इज ये π/2 मतलब ये ऑब्वियसली कितना हो गया, दैट इज 2π राइट। सो ऑब्वियसली टू ऑसोलेशंस मतलब कितना होगा, दैट इज ऑब्वियसली क्या होगा 4π राइट। सो यहाँ पे क्या होगा आंसर, दैट इज ऑप्शन ए, इजी क्वेश्चन ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसोलेटर, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम व्हेन एक्स इज मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज मिनिमम। ओके ठीक है, पहले हम देखते हैं व्हाट आर द फॉर्मूलाज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस एम ओमेगा स्क्वायर के बदले आप 1/2 इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज एम ओमेगा स्क्वायर मतलब ही के होता है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1/2 के एक्स स्क्वायर।
तो एक बात याद रखिए, हमेशा याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी होती है हमेशा वेलोसिटी का फंक्शन होती है, काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो जहाँ पे सो ऑब्वियसली हम ये कंसेप्ट से एटलीस्ट ये तो बता सकते हैं कि जहाँ पे वी मैक्सिमम होगी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, राइट। एंड पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ द पोजिशन, राइट। तो जहाँ पे जो पोजिशन मैक्सिमम, पोजिशन मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली तो देखो ऑप्शन वन में क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड एक्स इज मैक्सिमम, नहीं हमें देखो SHM में क्या होता है, SHM में क्या होता है, मीन पोजिशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है एंड एक्सट्रीम पोजिशन पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, राइट। सो ऑब्वियसली तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे मैक्सिमम ही होगी, राइट। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, जीरो हो जाएगी, राइट। और यहाँ पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, राइट। तो एक बात याद रखें सब, यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन द वेलोसिटी इज मैक्सिमम, वेयर द वेलोसिटी इज मैक्सिमम, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजिशन एंड मीन पोजिशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जीरो होती है, मिनिमम होती है। सो हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज मिनिमम, सो ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज मैक्सिमम, तो ऐसा ऑप्शन है ही नहीं उनका, ठीक है। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीबिटिंग अ लीनियर सिस्टम एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो अभी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखा हमने, क्या होता है, 1/2 kx2। सो ऑब्वियसली ये 1/2 तो कॉन्स्टेंट है ही, के भी हमारा फोर्स कॉन्स्टेंट है, सो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी किसको प्रोपोर्शनल हो गया, दैट इज kx2 को, सिंपल क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM when it is halfway between the mean and extreme position, ठीक है। किसके बारे में रिलेशन पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी, what is the relation between the potential energy and total energy, और कितना दिया है displacement, halfway between the, मतलब displacement कितना दिया है, that is a/2 दिया है, right। obviously उसकी extreme position के यहाँ पे कितनी होती है, extreme position पे displacement होती है a, तो half of extreme position मतलब क्या होगा, a/2। पोटेंशियल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 kx2, 1/2, तो k जैसे कि जैसा, x की जगह में क्या लिखूंगा, a/2 का स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 kA² / यहाँ पे आ गया 4। सो 1/2 अगर kA² को अगर आप देखोगे, दैट इज दी, ये जो होती है 1/2, टोटल एनर्जी मतलब क्या होती है, टोटल एनर्जी का फॉर्म, टोटल एनर्जी क्या आती है, दैट इज 1/2 kA² और 1/2 mω² a² बिकॉज mω² मतलब ही क्या होता है, k होता है। सो अगर इस फॉर्मूले में अगर हम देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज 1/2 kA² को इसको मैं टोटल एनर्जी लिखता हूँ और ये 4/4 ऐसे रहेगा, दिस विल बी द रिलेशन, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, और ये यहाँ पे आता है ऑप्शन सी में, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी डबल्ड इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू 4 times, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डबल्ड, द मास ऑफ द बॉब इज डबल्ड, द लेंथ ऑफ द, देखिए हमें पता है दैट इज द वेरी फेमस फॉर्मूला ऑफ द सिंपल पेंडुलम, टी इज इक्वल टू 2π√L/g। सो ऑब्वियसली एक तो बात है यह है कि हमें बताया टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द बॉब होता है, सो ऑप्शन सी यहाँ पे कट हो गया, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड मास ऑफ द पेंडुलम आर डबल, देखो दोनों भी डबल डबल हो गए यहाँ पे, 2L हो गया, सो ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा तो ये भी नहीं आएगा, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इज डबल्ड, तो ऑब्वियसली ये डबल हो गई तो ये 1/√2 times हो जाएगा, तो उल्टा ये कम होने वाला है, हमें डबल चाहिए, राइट। एक तो डबल तो नहीं हो रहा है लेकिन उल्टा कम होने जा रहा है, तो आंसर वैसे ऑप्शन ए होगा। देखो अगर मैंने इसको L2 को अगर मैंने 4L कर दिया, L2 इज इक्वल टू, सॉरी 4 times बोला है तो, राइट, 4 times ऑफ L कर दिया, सो T2 इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, 2π√ में यहाँ पे क्या करूँगा, 4L/g, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 × 2π√L/g, सो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × ये क्या हो जाएगा, T1, राइट। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। सो अगर उसकी लेंथ को हमने 4 times कर दिया, सो टाइम पीरियड देन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है,
Now, if the metal bob of the simple pendulum is replaced by a wooden bob of same size, then its time period remains the same. Because देखो wooden bob of same size and replaced by the metal bob is replaced by the wooden bob. मतलब देखो metal bob कैसा होगा? Heavy होगा. Metal bob will be the heavy होगा. Wooden कैसा होगा? थोड़ा हल्का होगा. Wooden will be the lighter. राइट सो बट जो हमारा टाइम पीरियड होता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑन मास. सो ऑब्वियसली तुम वुडन लाओ या फिर मेटल लाओ या फिर कोई दूसरे और भी कोई हल्का लाओ या और भी कोई और भी हेवी लाओ बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑन द मास. और यही बहुत सबसे इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है इस एक्सपेरिमेंट का. ठीक है गैलीलियोस फेमस एक्सपेरिमेंट. नाउ अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट एक्सिस इक्वल्स टू जीरो विथ एन एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड कैपिटल टी. स्पीड ऑफ द पेंडुलम एट एक्सिस इक्वल्स टू ए बाई टू. ठीक है सो एक्सिस इक्वल्स टू जीरो मतलब हमें स्पीड निकालनी है. सो स्पीड कैसे निकालेंगे? वी इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर. सो वी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा? ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर. एक्स मतलब यहाँ पे क्या दिया? ए बाई टू दिया है तो ए स्क्वेयर बाय टू का स्क्वेयर यहाँ पे फोर आएगा. सो वी इज इक्वल टू ओमेगा फोर ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर यहाँ पे क्या आएगा? थ्री ए स्क्वेयर बाय फोर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा? वी इज इक्वल टू ओमेगा यहाँ पे क्या आएगा? सो ए स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट ए, फोर का स्क्वेयर रूट टू और यहाँ पे ये अंडर रूट ऑफ थ्री. राइट सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? दैट इज देखो हाँ अब उन्होंने क्या दिया है टाइम पीरियड में मतलब देखो उन्होंने टाइम पीरियड दिया है हमें. राइट तो ये फॉर्मूला भी हमें इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? अभी जो वेलोसिटी है हमारी इस ओमेगा को मैं क्या लिखूँगा? टू पाई बाय कैपिटल टी ऐसा लिखूँगा. ये नीचे का टू जैसे कि वैसा, ये ऊपर का ए जैसे कि वैसा और ये रूट थ्री. तो यहाँ पे टू टू कैंसल. तो यहाँ पे क्या आएगा? वी इज इक्वल्स टू यहाँ पे पाई ए रूट थ्री बाय टी. ऐसा कौन सा है क्या ऑप्शन? ये ऑप्शन ए है, पाई ए रूट थ्री अपॉन टी. सो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द सिंपल पेंडुलम एट पोजिशन एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई टू इन टर्म्स ऑफ द टाइम पीरियड. ये हमारा टाइम पीरियड है यहाँ पे. चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग द लीनियर एसएचएम एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. ये क्वेश्चन हुआ है हमारा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है ये भी क्वेश्चन हुआ है हमारा. ठीक है आई थिंक रिपीट हो गए. ओके आई थिंक क्वेश्चन ख़त्म हो गए हमारे. ठीक है सो मेरे यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो गए. सो नेक्स्ट इसमें हम और भी एमसीक्यू देखेंगे लेवल टू लेवल थ्री के. ठीक है तब तक के लिए थैंक यू, बाय. कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग, थैंक यू, बाय. चलो.